96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। सर जेई मेंस क्वालिफाई मेरा, सर जेई मेंस क्वालिफाई है। बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में, बीटेक की फीस हार गए जुए में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाता है, ये जो ऑनलाइन गेमिंग, सो कॉल्ड ऑनलाइन गेमिंग बोलते हैं, क्या ये पबजी, फ्री फायर, हम जो गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, क्या उसी के ऊपर बात कर रहे हैं या फिर कोई और टाइप का गेम के ऊपर बात कर रहे हैं? जी हाँ गाइस, यहाँ पे अगर जिन लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे जो गेम के ऊपर बात हो रहा है वो है रियल मनी गेम्स, लाइक जो गेम्स के ऊपर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर सब लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये लोग आईपीएल या क्रिकेट के बड़े बड़े लीग को भी प्रमोट करते हैं। एंड ये जो ब्रांड से भाई, ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आपको पैसा लगाना होता है एंड उसके बाद आपको कुछ फंड मिलेगा, ऐसा उन लोगों का कहना है। बट ट्रूली स्पीकिंग, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो लोग बस एक बेट देता है ताकि आप इस पे स्पेंड करो। एंड इसी करते करते ये बंदे ने इतना लाख रुपए का स्पेंड कर दिया। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि जब बंदे ने इतना लाख रुपए का स्पेंड एक बेटिंग इस पे स्पेंड कर दिया है, तो वहां पे बंदा क्यों एक प्ले स्टेशन या पीसी या लैपटॉप क्यों परचेज नहीं किया? एंड यही आ जाता है सबसे बड़ा कुछ। यहाँ पे हम बंदे लोग बोलते हैं कि भाई मैं पीसी नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लैपटॉप नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। बट वही बंदा लाख रुपए, हजार रुपए पैसा स्पेंड कर देता है ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप। क्योंकि पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात आ जाता है कि भाई हम यहाँ पे अगर स्पेंड करें तो हमको रिटर्न में कुछ मिलेगा, बट अगर पीसी में या लैपटॉप में कुछ स्पेंड करें तो हमको रिटर्न पे कुछ नहीं मिलेगा। एंड यही आ जाता है सबसे बड़ा खेल, क्योंकि हम लोगों को उसी तरह से ये लोग, ये जो एप्स है या फिर ये जो ब्रांड्स है, उसी तरह से ट्रीट करते हैं कि भाई आप यहाँ पे पैसा लगाओगे आपको तुरंत आपको रिटर्न मिल जाएगा। एंड हम तो भाई सबसे पहले मनी देखते हैं कि भाई हाँ, जैसे ही हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, हम अगर मैं प्ले स्टेशन लेता हूँ, मैं कंप्यूटर लेता हूँ, तो वहां पे मेरे को तुरंत नहीं मिलेगा, मेरे को कंप्यूटर लेने के बाद, लैपटॉप लेने के बाद मेरे को स्किल्स एक्वायर करना पड़ेगा, लाइक एडिटिंग हो जाए या फिर कोई भी 3D विजुअल इफेक्ट्स या 3D एनिमेशन, उस पे अगर आप देखो वो फील्ड पे, या डाटा एंट्री हो या कुछ भी हो, आपको स्किल्स एक्वायर करना पड़ेगा। आपको पीसी लेने के बाद भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप यूट्यूब करो तो उसके लिए वीडियो एडिटिंग, ए ओ थंबनेल मेकिंग, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप उससे पैसा निकाल सकते हो, तब उस फिर उसको आप अगर फ्रीलांस का काम करो या कंपनी में काम करो, आपको काम आएगा, पैसा आएगा। बट ऑनलाइन बेटिंग ऐप से क्या है कि भाई कोई भी स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, स्किल्स गया भाड़ में, आप बिंदास आपका जो हार्ड अर्न मनी है यहाँ पे पैसा डालो, आपको एक हाथ से पैसा डालोगे दूसरा हाथ से आपको पैसा मिल जाएगा, बस स्वीट एंड सिंपल। ये फॉर्मूला भाई लोगों के अंदर बैठाया जाता है एंड फिर ऐसे ही बंदे ये ट्रैप पे फंस जाते हैं एंड इसी तरह से लाखों करोड़ों में खर्चा हो जाता है, लोन हो जाता है एंड बंदे फिर ऐसे रोते रोते आते हैं एंड लोगों से बोलता है कि भाई मेरा इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। अब ये जो चीज हुआ एक बंदे के साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे बंदों के साथ हुआ है। इसने आके आगे बोला, ऐसे और भी बहुत सारे बंदे होंगे जो लोग ऑलरेडी ये सभी चीजों के ऊपर जूझ रहे हैं, वो सभी के साथ भी ऐसा हो चुका है, बट वो लोगों के पास उतना साहस नहीं है कि आके सामने ये सभी चीजों को ओपनली यूट्यूब पे ऑनलाइन पे बात करें, तो इसीलिए ऐसे बंदे बहुत हैं। अब यहाँ पे आ जाता है गवर्नमेंट का रोल, क्योंकि इससे जो अमाउंट का टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को वो बहुत इंसेन है, एग्जैक्ट जो परसेंटेज है वो पता नहीं, बट इस लेवल का उनको वहां पे टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगा कि ये सभी चीजों को बैन किया जाए। एंड अभी जो मेन चीज आता है कि लोगों को ही समझना होता है क्या करना है क्या नहीं। बट मेरा जो एज ए गेमर अगर आप देखो, या फिर हम लोग एज ए गेमर, हमको ये चीज बुरा लगता है कि ये जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग एक बेटिंग ऐप से, ये कोई गेमिंग नहीं है, इसको पता नहीं क्यों कैसे ऑनलाइन गेमिंग के अंदर घुसट दे रहा है। बहुत सारे कंपनीज ने जैसे एक एप्लीकेशन किया था गवर्नमेंट को कि भाई हमको इससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहिए, तो अभी तक तो उसका बारे में कुछ आया नहीं, पता नहीं कब आएगा, होगा भी या नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। बट मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस पे कुछ रूल एक्शन ले कि भाई इस पे ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये सभी गेमिंग के अंदर आता है, ये गेमिंग के अंदर नहीं आता, वरना भाई ऐसे अपने देश के बहुत सारे यूथ जनरेशन है वो लोग इसी ट्रैक पे गिरते रहेंगे एंड ऐसे उन सभी का जो है पैसे का, हार्ड अर्न मनी का नुकसान होता रहेगा। तो वही चीज है, तो इसीलिए मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, भाई ये सभी चीजों से दूर रहो। एंड हाँ, यूट्यूबर लोग ये सभी चीजों को प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, एंड इससे बहुत तगड़ा अमाउंट का पैसा मिलता है, तो मेरे हिसाब से स्मार्ट बनो। अब जरूर उसको कमेंट सेक्शन में बोलो कि भाई ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, या आपका ऑनेस्ट ओपिनियन उस पे बता सकते हो, जरूर बता सकते हो। एंड ये जो चीजें हैं ये सबको आपको अवॉइड करना है। एंड गैम्बलिंग ऐप का आपको भाई एक रुपया भी, भाई ये सब ऐप इंस्टॉल करने का ही जरूरत नहीं, सीधी बात, ये सभी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने का ही जरूरत नहीं। आपको गेम खेलना है तो आप गेमिंग करो, इतने सारे गेम का भंडार पड़ा है वो सभी करो। एंड अगर आप इतना पैसा, लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर सकते हो गैम्बलिंग ऐप पे, तो भाई क्यों आप एक प्ले स्टेशन या पीसी या मतलब जो प्ले स्टेशन कंसोल या कंप्यूटर
कंप्यूटर या लैपटॉप क्यों नहीं परचेस कर सकते, मेरा तो आप लोगों से बस वही एक क्वेश्चन। तो यही था गाइस वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे लगा कि एज ए गेमिंग कंटेंट क्रिएटर या गेमर मेरे को ये सभी चीजों के ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे लाख लाख रुपए लोग स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं ये सब चीजों के ऊपर बात करना चाहिए था। तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो अभी तक अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। बाकी यही था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।